आज इस काबिल हुए हैं कि हम तदब्र कुरान में नई सूरा शुरू करें तो आज से हम इंशाल्लाह सूरत लाजाब शुरू करेंगे इसका कुछ हिस्सा जज़ ट्वेंटी टू में है और कुछ उससे पहले है तो चूंकि हम सूरा वाइज चलते हैं और सूरा को ऑन द होल देखते हैं इसलिए हम ट्वेंटी टू से की बजाय हम सूरत लाजाब से शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसके लिए हमारे दिलों को खोल दे हमें इसका बेहतरीन फ़हम अदा फ़रमाए हमें इसको इस तरह पढ़ने की तौफीक दे कि वाकई हम इसका हक अदा करें और फिर ये हमारे हक में हजत बने हमें इसके अंदर जो हमारे लिए सबक़ हैं अहकाम हैं उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए सबसे पहले हम आज की आयात का लफसी तर्जुमा करेंगे फिर उसके बाद हम इनशा सूरत का तारफ और तफसिर की तरफ जाएंगे बिस्मिल्लाम या नबी यु नबी इकी डरिए से वला और न तो आप इता कीजिए अलकाफरीना काफिरों वलमुनाफिका और मुनाफिकों की इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है अली मन बहुत इल्म वाला हकीमन खूब हिकमत वाला वबे और पैरवी कीजिए माँ उसकी जो यूहा वही की जाती है इलाई का तरफ आपके रब्बिक आपके रब की तरफ से इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है बिमा उसकी जो तामलू तुम अमल करते हो खबीरा खूब खबर रखने वाला वह तबक्कल और तबक्ल कीजिए अल्लाह अल्लाह पर व कफा और काफी है बिल्ला अल्लाह वकीला कारसास मा नहीं जा बनाए अल्लाह अल्लाह ने ली रजुलिन, किसी शख्स के लिए मिन दो दिल फी ही, उसके सीने में वमा और नहीं जा उसने बनाया अजवाजकुम तुम्हारी बीवियों को अल्ला ए, वो जो तुजाहिरुना तुम जिहार करते हो मिनहुन्ना जिन से या उनसे उम्महातिकुम माए तुम्हारी वामा और नहीं जाला उसने बनाया अदिया अकुम तुम्हारे मुंह बोले बेटों को अबना अकुम बेटे तुम्हारे दालिकुम ये कौलुकुम बात है तुम्हारी बी अफवाहें कुम तुम्हारे मुंहों से वल्लाहु और अल्लाह यकूलु फरमाता है अल्हक का हक वहुआ और वही यहदी वो रहनुमाई करता है असबील रास्ते की उद्रोहम पुकारो उन्हें ली आबाईहम उनके बापों के नाम से हुआ वो अकसतु ज्यादा इंसाफ वाला है इंदा नजदीक अल्लाह के फ इन फिर अगर लम नहीं, तालमू तुम जानते आबा उनके बापो को फ कुम तो भाई हैं तुम्हारे फिर दीन दीन में व मवाली कुम और दोस्त हैं तुम्हारे वलिसा और नहीं अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह फीमा उस मामले में जो अख्ता तुम खता की तुमने भी उसमें वलाकिन और लेकिन माँ जो तम इरादा करें खलूब कुम दिल तुम्हारे वकाना और है अल्लाह अल्लाह गफूरन बहुत बख्शने वाला रहीमा नेत रहम करने वाला अन नबी, अवला करीब तरह अन फुसम उनके नफ्सों से यानी उनके नफ्सों से भी बढ़ के वह अजबाज हू और बीविया उसकी उम तो हम माए है इनकी व उल उरहामी और रहम वाले यानी रिश्तेदार अवला नजदीक दर है किताब मोमिनों में, ही ही। में से बल मुहाजिरीना और मुहाजिरीन में से इल्ला मगर अन ये के तफ आलू तुम करो इला एकुम तरफ अपने दोस्तों के मारूफा कोई भलाई काना है जाले का ये फिल किताबी किताब में मस्तूरा लिखा हुआ वह इब और जब अखज ना लिया हमने मिनन नबी ये ना नबियों से मी फाका हम पुख्ता अहद उनका व मिन का और आपसे वह मिन नू हैं और नूह से वह इब्राहिमा और इब्राहिम व मूसा और मूसा व ईस अब ने मरियम और ईसा अबने मरियम से वजना और लिया हमने मिन हम उन से मिसाकन अहद गलीजा पुख्ता पक्का लिया ताकि वो सवाल करे पूछे असादकीना सच्चों से अनसिदिम उनके सच के बारे में वह आदा और उसने तैयार कर रखा है लिल काफरीना काफिरों के लिए अजाबन अजाब अलीमा दर्दनाक अब इन की तिलावत सुनिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمّهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم بآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا, إلا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمِنْ نوح وإبراهيم وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ليسال الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا اليما सूरत मदनी सूरत है मदीना में नाजिल हुई मसानी सूरतों में से है आयात की तादाद तिहत्तर है सेवनटी थ्री नौ रुकू हैं बारह सो अस्सी का लिमात पाँच हजार सात सौ नब्बे हरूफ हैं तरतीब के एबार से इसका नंबर तैतीस है थर्टी थ्री नजूल के अतबार से सूरत सूरत आल इमरान के बाद नाजिल हुई है सूरत निदा के उसलूब के साथ शुरू की गई है या यान नबी जैसे सूरत तलाक और सूरत तहरीम वगैरह इस सूरत का नाम अल अलहजाब ही है जो कि गजब खदक के नामों में से एक नाम है इस सूरत का कोई और नाम नहीं सिर्फ यही एक नाम मिलता है अहज़ाब की जमा है, जिसका मतलब है ग्रोह क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें मुशरिकीन के मुख्तलिफ ग्रोहों का जिक्र किया है, जो उनके साथ शरीक हो गए थे जिन्होंने मदीना पर हमला करने का इरादा किया था लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नाकाम लौटा दिया तो उनके हमले के अलावा यहाँ गजवा बनुक का जिक्र भी है इस सूरत में इस सूरत में बहुत से अहकाम शराया भी दिए गए हैं तश्री अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बारे में भी बात की गई है बाज जाहिली आदात का खात्मा भी बयान किया गया है इसमें जैसे तबन्नी जिहार हिजाब वगैरह सूरत नूर की तरह ये सूरत भी अपने ग्रुप की सूरतों का तकमेला है नहीं। मक्की सूरतों के बाद फिर ये एक मदनी सूरत आई है पहली आज है या ए नबी अल्लाह से डरिए और आप काफिरों और मुनाफिकों की इताद ना कीजिए बेशक अल्लाह बहुत इल्म वाला खूब हमत वाला है इसमें अल्लाह ताला अपने नबी को खिताब कर रहे हैं कि ए नबी अल्लाह ताला ने आपको नबुवत और वही के लिए चुन लिया है सारी मखलूक पर आपको फजीलत अदा की है बस आप अपने ऊपर इस नेमत का शुक्र तकवा के जरिए कीजिए जो दूसरों की नस्बत यानी दूसरों की नस्बत आप जिसके ज्यादा हकदार हैं और फिर इसके बाद ये कि अपने रब के पैगाम की तबलीग कीजिए बंदों तक वही को पहुंचाइए कोई काफिर और मुनाफिक आपको अपने मकसद से हटा ना सके आप उनकी ख़्वाहिशात और उनकी बातों की उनकी बातों उनकी ख़्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए और उनकी बातों में ना आइए वरना वो आपको सीधे रास्ते से हटा देंगे यानी जहाँ तआला की तरफ से आपको मामूर किया गया है अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए आप अपनी नज़र इसी मकसद पर रखिए और जो लोग इस काम में रुकावट डालें उनकी बातों को अहमियत ना दीजिए तो या अयुहन नबी तकिल्ला या अयुहन नबी या मोहम्मद नहीं कहा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद पैगंबर हैं जिन्हें कुरान मजीद में नाम की बजाय उनके नबुव्वत के लकब से पुकारा गया है या फिर या या अयलजमिल्यूअल मुद्दसर कहके पुकारा गया है इसके बरक्स दीगर अम्बिया को नामों से पुकारा गया है या आदम या इब्राहिम या मूसा या ईसा या दाऊद तो इससे आपकी तकरीम आपकी इज्जत और आपकी फजिलत वाज़े होती है इससे यह पता चलता है कि अगर अल्लाह सुबह ने आपका इतना रिगार्ड किया है तो फिर हमारे ऊपर क्या लाजिम आता है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा मामला करना चाहिए और जब आपकी तरफ से कोई हुक्म हमें मिले तो उसके जवाब में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए और आपकी बातों को कितनी अहमियत देनी चाहिए तो आपका मकाम आम इंसानों की तरह का नहीं है आप तमाम इंसानों से भी अफजल हैं और अंबिया से भी अफजल हैं। अल्लाह ने आपको चुन लिया है लिहाजा याबी कह के पकारा गया और नबी को नबी या से भी पढ़ा जाता है और हमजा से भी नबी नब खबर और नबी या से हो तो नब्बा बुलंद मकाम यानी जिनको अल्लाह ने बुलंद मकाम अदा किया है ये भी कहा जाता है कि यहाँ खिताब खास है लेकिन हुक्म आम है यानी ये अगरच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये बात कही जा रही है लेकिन ये सारी उम्मत के लिए आम हुक्म है किस चीज का तकवा का और अल्लाह की इताद का और इसके बरक्स अल्लाह की इताद के मामले में किसी और की बात ना मानने का बहुत दफा हम कोई हुक्म मानना चाहते हैं लेकिन हमें लोग नहीं मानने देते लोग आड़े आ जाते हैं और खास तौर पर वो अहकाम जिस सूरत में आ रहे हैं जैसे हिजाब का हुक्म है या कुछ और अहकाम हैं, तो उन मामला में हम लोगों से डरने लगते हैं तो क्या हुक्म है अल्लाह से डरिए और अल्लाह ताला की बात मानते हुए किसी मुनाफिक और काफिर की बात की परवाह ना करें कि वो क्या कमेंट पास करते हैं या वो इसको किस तरह लेते हैं इस पे क्या क्या वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या इसको रिजेक्ट करते हैं यानी किसी की भी परवाह ना करें किसी की भी इतात ना करें और यहां पर लफ्ज तकवा इत्तकिल्ला तकवा का लफ्ज़ वाया से है और असल में ये था वकवा विकाया से वकवा था लेकिन वाव को ता में बदल कर तकवा कर दिया गया तो वकाया का मतलब होता है बचाव करना कि इंसान अल्लाह की इतात करके और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने रोका है उनसे रुक के अपने आप को अल्लाह की नाराजगी से और अल्लाह के अजाब से बचा ले अपना तहफ़ करे बचाए अपने आप को इसीलिए तलक बिन हबीब कहते हैं तकवा का मतलब है अल्लाह की इता अल्लाह की दी हुई रोशनी के मुताबिक यानी अहकाम के मुताबिक और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए और उसके अजाब से डरते हुए अल्लाह की नाफ़रमानी उसकी दी हुई रोशनी के मुताबिक छोड़कर ये तकवा है यानी जो जो वही के जरिए रोशनी हमें मिली है इस किताब के ज़रिए इसके मुताबिक अल्लाह ताला की, इतात और बंदगी की, की जाए और बरदारी की जाए और उसकी नाफरमानी से बचा जाए तो इस चीज का जो ख्याल रखना एहसास रखना है यही तकवा है और इस रास्ते में अपनी लज्जतों को ख्वाहिशों को सुस्ती को हर चीज को तर्क करना है इन तमाम चीजों से यानी इस इतात के रास्ते में अल्लाह की रज़ा के रास्ते में कोई भी चीज़ अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर अगर रुकावट डालती है तो उसकी परवाह नहीं करनी हमेशा अपने सामने एक ही गोल रखना है कि मुझे वो करना है जो मेरे रब को राज़ी कर दे और जिसके ज़रिए मैं आखरत के अजाब से बच जाऊं यह हम में से हर एक के लिए लाजिम है क्योंकि बाजात बाहर से कोई कुछ नहीं हमें कहता हमारे लिए सारे मौाक खुले होते हैं लेकिन हमारा अपना नफ्स ही नहीं मानता या आराम तल भी होती है या परस्ती होती है या फिर उस हुक्म पर यकीन और ईमान नहीं होता शकु को शुभात का शिकार होते हैं सवाल यह पैदा होता है कि अगर ये हुक्म सभी के लिए है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो क्यों खास मुखातब किया गया है इस हुक्म की अहमियत की वजह से कि अगर अल्लाह तआला अपने नबी को जिन्हें अल्लाह ने अपने कलाम के लिए चुन लिया जिनको तमाम मखलूक पर फजीलत दी उनको अगर ये फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह से डरो तो फिर बाकी सब का क्या मकाम होगा बाकी सब के लिए फिर क्या हुक्म होगा बाकी सब को फिर क्या करना होगा सवाल ही पैदा होता है कि क्या आप तकवा नहीं कर रहे थे तो फिर हुक्म दिया गया कि आप तकवा कीजिए नहीं आप तकवा किए हुए थे लेकिन दोबारा जो हुक्म दिया तो मुराद ये है कि इस पर इस्तेकामत इख्तियार कीजिए तकवा किए रखिए, हमेशा इस पर कायम रहिए और इसमें इजाफा करते रहिए यानी इसको बढ़ाते रहिए इंसान अगर कोई किसी से कहे इतना अल्लाह से डरो तो वो ये ना कहे कि तुम अपनी फिकर करो मैं डरता हूं अल्लाह से नहीं जितना डरते उतना काफी नहीं और और ज्यादा इसके अंदर तरक्की की जरूरत है आगे बढ़ने की जरूरत है इत और फिर आप देखिए जब इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा होता है तो इंसान फिर उन कामों से बचने की कोशिश करता है जो अल्लाह ताला को नाराज करते हैं यानी जब भी आप किसी चीज से डरते हैं तो फिर आपके अंदर इंस्टेंट क्या चीज पैदा होती है बचाव का एहसास इस ये खतरे की जगह है यहां से बचना है दुनिया में भी जिन चीजों से हम डरते हैं फिर हम उनसे बचते हैं उनमें हाथ नहीं डालते हम डरते हैं कि आग जला देगी तो हम बहुत मोहतात हो के आग के करीब जाते हैं इसी तरह बाकी चीजें भी जो नुकसानदेह हैं उन सब से हम मामला करते हुए चुकन्ने रहते हैं इसी तरह इस दुनिया में चुकन्ने रहकर मोहतात रहकर बचते हुए एहतियात करते हुए कॉन्शियस होते हुए सारे काम करने हैं यानी मोमेंट गाफिल नहीं होता हीडलेस नहीं होता वो भी हो जाए जैसे भी हो जाए कुछ भी हो जाए हो जाए या ना हो जाए सब ठीक है इट्स ओके नो बहुत मुखतात अलर्ट कि किस वक्त क्या करना है किस वक्त क्या बोलना है किस वक्त क्या नहीं बोलना है। कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना क्या करना है और क्या नहीं करना ये दोनों चीजें इसमें आएंगी फिर आप देखिए कि ये हुक्म जो है ये ऐसे ही है जैसे ईमान वालों को कहा गया या यूर आमनु आमिनु ऐ लोगों जो ईमान लाए ईमान लाओ क्या मतलब ईमान नहीं जो ईमान ला ईमान है लेकिन तजदीद की जरूरत है हम सबको भी तकवा की तजदीद की जरूरत रहती है रिफ्रेश करने की जरूरत रहती है बार बार कॉन्शियस होने की जरूरत रहती है याद दहानी की जरूरत रहती है हम भूलने वाले हैं हम इंसान हैं और इसके साथ साथ इसलिए याद दहानी कराई जाती है कि इस रस्ते से हटना नहीं है इस पर कायम रहना है और फिर यह भी होता है कि जिस चीज का हुक्म दिया जाता है बाजुकात उसकी मजीद तफसीलात भी बताई जाती है जैसे यहाँ पर आप देखिए अमर है वला तो तेल मुनाफिक, वल काफिरीन नहीं है हुँ? तो फिर उसके बाद आगे आएगा वह तब मायू है तब तो ठीक है तो ये तफसील आ जाएगी उसकी तो यहाँ पर भी जैसे बिल्लाही वरसूली वल अला रसूली वल मिन सारी ईमान की आ इसी तरह तकबा में क्या क्या करना है उसकी तफसील आ गई और फिर बात को वाज करने के लिए कि एक तरफ इंसान अल्लाह से डरे और दूसरी तरफ उन चीजों को छोड़ दे एक तरफ करने का काम करे और दूसरी तरफ ना करने के कामों से भी मुखतात रहे वला तो थे अलकाफरी अवल मुनाफिक काफिरों और मुनाफिकों की इतात ना करें यानी जो आपके इर्द गिर्द ईमान नहीं लाए हुए लोग वो जब आप पर किसी भी तरह हावी होने की कोशिश करें आपको अल्लाह ताला के हुक्म से रोकने की कोशिश करें तो आपने रुकना नहीं और इसी तरह मुनाफिकीन जैसे अहले मदीना में से मुनाफिक जो थे वो मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे जब वो दीन के किसी हुक्म पर अमल करते थे तो मजाक उड़ाते सदका खैरात करते थे तो उसमें मजाक उड़ाते थे कोई भी काम करते थे तो वो उसमें कोई ना कोई नक्स निकालने की कोशिश करते उनका मकसद क्या होता ताकि ना ये करें ना हम करें क्योंकि अगर ये करेंगे और हम नहीं करेंगे तो हम नजरों में आ जाएंगे तो बेहतर है ये भी रुक जाए तो इसलिए कॉन्शियस कर दिया गया कि तो नहीं इनकी बात नहीं मानी और यही हुक्म हमारे लिए है कि हमें किसी और की नहीं सुननी इस बात पर फोकस रहना है कि का हुक्म क्या है वो क्या चाहता है ये, ये नाजिल हुई है यह वक्त रसूल सलम और मुसलमानों पर नहायत मुश्किल वक्त था बड़ी आजमाइश का वक्त था क्योंकि, क्योंकि कुरैश गुजैल और पूरे अरब के मश्रिक को लेकर इस्लाम को मिटाने के लिए दस हजार का लश्कर लेकर मदीना पर मदीना मनवरा पर हमला आवर हुए थे और अंदर से मदीना के मुनाफिकीन और फिर यहूद भी उनकी मदद कर रहे थे तो मुसलमान एक तरह से बिल्कुल तन्हा हो गए थे तब आप सोचिए जिंदगी में अगर कोई ऐसा मरहला आता है जब आपको ये महसूस होता है कि सारे ही साथ छोड़ गए तो वक्त ऐसा होता है माँ बाप भी नहीं है शोहर को भी समझ नहीं आ रही है, बच्चे भी अपनी मर्जी कर रहे हैं तो यही हाल कुछ मदीना में मुसलमानों का था कि किसी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी हाँ अल्लाह की मदद उनके लिए काफी थी व कफल्लामोमी जैसे आगे आएगा इसी सूरत में इतने मुश्किल हालात में कुछ और अहकाम भी नाजिल हुए <coughs> जो घरेलू जिंदगी से मुतलिक थे। ज़माने जाहिलियत की कुछ रसूम तोड़ने का हुक्म भी मिला जो उन लोगों के हाँ बहुत पक्की हो चुकी थी मसलन बीवी को अगर माँ कह दिया जाए तो उसे माँ की तरह ही हराम समझना चाहिए ये जाहिलियत के दौर में एक मानी हुई तय बात थी अगर किसी ने यह कह दिया तो बस वो वैसा ही हो गया फिर इसी तरह मुंह बोले बेटे को यानी वो जबान से किसी को बेटा कह दिया तो बस वो अपने बेटे की तरह हो गया हालांकि इसमें हकीकत तो नहीं थी कुछ और फिर वो उसको अपना वारिस भी बनाते और फिर उसकी बीवी के साथ यानी बहू के साथ निकाह को हराम समझते और उसके साथ बाकी सारा मामला ऐसे करते जैसे अपने हकीकी बेटे के साथ किया जाता है और ये रस्म इतनी पक्की थी इसको तोड़ने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इस पर अमल करवाया गया इसी तरह जाहिलियत की रस्मों में से एक रस्म यह भी थी कि गुलाम आजाद भी हो जाए तो उसे हकीर ही समझते थे उसको वो आजाद लोगों का स्टेटस देने को तैयार नहीं होते थे जैसे आज भी आप देखिए कि चाहे आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की सिटीजनशिप ले भी लें फिर भी आपको वो स्टेटस नहीं मिलता वो दर्जा नहीं दिया जाता कभी रंग की बिना पर कभी किसी और बिना पर उस जमाने में गुलामों के साथ यही सलूक किया जाता था कि आजाद भी हो जाए तो आजाद के बराबर स्टेटस नहीं मिलता था तो इस रस्म को भी रसूल अल्लाह वसल्लम ने तोड़ा और अपनी पुपी की बेटी जैनब बिन तजाश का निकाह जो बहुत आली खानदान से थी अपने आज़ाद करदा गुलाम हजरत जैद के साथ कर दिया लेकिन दोनों में निभा नहीं हुआ हालांकि दोनों ही बहुत मतकी थे तो आपकी ख्वाहिश थी कि जैनब उनसे निकाह कर लें लेकिन जैनब ने आपका हुक्म समझ के कबूल कर लिया लेकिन उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर सके क्योंकि ये पूरे नॉर्म और कल्चर और माशरे के रसूम और रिवाज के खिलाफ था फिर उसके बाद जब तलाक हो गई तो अल्लाह ताला का हुक्म यह था कि वो आप जैनब से निकाह कर ले बड़ी मुश्किल थी और इसमें आपको तमाम मुशरिकीन और मुनाफिक और कुफार की तरफ से शदीद मुखालफत का डर था कि वो सब तानो तशनी करेंगे कि एक तरफ मोहम्मद सल्लम बहू से निकाह को हराम करार देते हैं और दूसरी तरफ खुद अपनी बहू से निकाह कर लिया इस किस्म की बहुत सी चीजें थी जिनकी असलाह करना जरूरी थी और ये असलाह एक बड़ा मुश्किल काम थी अगर आप देखें तो ये सिर्फ उस जमाने में मुश्किल नहीं आज भी किसी कल्चर के अगेंस्ट जाना ज्यादा मुश्किल है यानी अगर किसी खानदान के अंदर ये रस्म है कि वो अपनी बेटियों को बाहर नहीं देते अपनी बरादरी से तो किसी खानदान में से किसी एक शख्स का भी उस पर अमल करना इत्याई मुश्किल होता है फिर वो सब कितानो तशनी का निशाना बन जाता है इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें जैसे शादी ब्याह की रस्में हैं हम दीन में दाखिल हो जाते हैं हम नमाज रोजा तहज़्ज़ुद, सदका खैरात हिजाब सब करने लगते लेकिन शादी के जो रसूम और रवाज हैं जो कुछ हिंदुओं से लिए गए कुछ किसी और से लिए गए और यहाँ रहते हुए जो यहाँ के कल्चर से बहुत सारी चीज़ें बरामद हो गई उनसे बाहर नहीं निकल पाते इसी तरह तलाक के मामला निकाह के अलावा तलाक के मामला और कुछ और चीजें भी जो रस्म व रवाज हैं शादी ब्याह के अलावा मर्ग के मौके पर वफ़ाद के मौके पर आप लोगों को कितना भी समझा ले, लेकिन उस लोग उसको समझने को तैयार नहीं होते उन चीजों से बाहर नहीं निकलते और उसके मुकाबले में कल्चर के मुकाबले में सुन्नत को अहमियत नहीं देते वो मकाम नहीं देते उसको दीन नहीं समझते ठीक है कल्चर की जो चीजें दीन से टकराती नहीं उस हद तक कुछ इंसान कर भी ले जिनमें अगर इसराफ नहीं तब्जी नहीं वक्त का ज्या नहीं दिखावा नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन जहां सरी मुखालफत हो जहां हिजाब की पाबंदियां टूट रही हों जहां जीनत का बेजा इजहार हो रहा हो ये सारी चीजें तो बहरहाल ममनुआत में से है लेकिन हम बात ख्वाहिशात की रॉ में इस तरह बह जाते हैं कि इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं तो इसीलिए सूरत का आगाज नबी को खिताब करके किया गया कि या किबी कि आप अल्लाह से डरिए आप तो पहले ही बहुत डरने वाले थे लेकिन आपसे खिताब करके सब को सुनाया जा रहा है कि सबके लिए यही हुक्म है और दीन पर अमल करते हुए किसी और की बात नहीं माननी क्योंकि अला ला खालिस दीन खालिस अल्लाह का हक है और उसमें हमें अल्लाह ताला ही की ता करनी है बाद लोगों ने कुछ और रिवायात भी बयान की हैं कि मक्का की एक जमात ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलबा किया कि आप अपने कौल से रुजू कर लें यानी ये, ये जो दावत तबलीग का का काम है छोड़ दे तो हम आपको अपने आधे माल दे देंगे और मदीना के मुनाफिक और यहूद ने आपको कतल की धमकी दी कि अगर आप लोगों को तबलीग करने से दावत देने से बाज नहीं आए तो हम आपको कतल कर देंगे तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब दिया जा रहा है कि आपने अपना काम जारी रखना और इनमें से किसी की बात भी नहीं सुननी तो बहरहाल अगरचे खिताब आपसे है लेकिन शामिल हम सब मोमिन उसमें है उस दौर के भी और आज के भी और यहाँ पर आप देखिए कि सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कहा गया है कि कुफार और मुनाफिकीन की बात नहीं माननी तो क्या कोई भी बात नहीं माननी या कौन सी बात नहीं माननी जो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ जाती हो जहां तक रोजमर्रा की चीजों का ताल्लुक है लेन देन है मामलात हैं तो दुनियावी मामला में मशवरे हैं तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों रोका गया कि नहीं मानना क्या उसकी क्या वजह है तो सूरत आल इमरान में इसकी वजाहत की गई है अल्लाह ताला फरमाते हैं या यूहल्लदीन आमनु इन तुति उल्लदीन कफरु यरुद्दू कुम अला आकाबिकुम फतन कलिबु खासिरीन ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अगर तुम उन लोगों का कहना मानोगे जिन्होंने कुफर किया तो वो तुम्हें तुम्हारी एड़ियों से फेर देंगे फिर तुम खसारा उठाने वाले होकर पलटोगे यानी तो भी वापस जाहिलियत की तरफ पलटा देंगे और फिर तुम नाकाम हो जाओगे यानी चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी इस्लाहात कर रहे थे और मुराफिकीन उनके खिलाफ थे तो अगर आपने ये इस्लाहात नहीं की और इनकी बातों इनकी बात मान या इनका दिल रख लिया तो फिर क्या होगा दीन अपने दीन का इजहार नहीं हो सकेगा और अगर मुसलमान उन्हीं के तरीके पर चलते रहे तो फिर अंजाम में नुकसान होगा, खसारा होगा। फिर काना अलीमन हकीमा यहां इल्लत बता दी गई कि बेशक अल्लाह बड़ा इल्म वाला बड़ी हमत वाला है इसको जुमला तालीलिया भी कहते हैं कि जिसमें इल्लत बताई गई है कि क्यों अल्लाह की बात माननी और उनकी नहीं माननी क्योंकि अल्लाह बहुत इल्म वाला है बड़ी हमत वाला है और जो लोग अपने तरीके पे तुम्हें चलाना चाहते हैं ना उनके पास वो इल्म है ना हिकमत है अल्लाह ताला माजी हाल मुस्तकबिल ज़ाहिर बातिन हर चीज को जानने वाला है कोई हुक्म वो क्यों दे रहा है उसकी क्या वजह है उसके पीछे क्या हिकमत है और किसी चीज से वो क्यों रोक रहा है वो जाहिलियत के तरीकों को क्यों खत्म करना चाहता है इसकी असल वजह तो अल्लाह ताला को मालूम है लिहाजा जो इल्म वाला है वाला है जो तुम्हारे दिलों के राज और तुम्हारी सारी जरूरियात को जानता है और जो हिकमत साहिब हिकमत है मसलते है जानता है उसकी बात मानो ना कि उनकी जिनके पास अल्लाह के मुकाबले में ना इल्म ना इल्म है, है डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो किससे से लेते हैं जिसके, जिसके पास कोई इल्म हो विजम हो खाली इल्म और इंफॉर्मेशन तो गूगल के पास भी है लेकिन अगर आप कोई अरबिक टेक्सट गूगल पर ट्रांसलेट करते हैं तो आपको कहीं से कहीं ले जाता है चाहे आप गूगल मैप फॉलो करते हैं इसके बावजूद आपको जो करना रहना पड़ता है हिक्मत। बहुत दफा ऐसा होता है कि आप वहां जब डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो आपको अपनी अकल इस्तेमाल करनी होती है पूरा पूरा उस पर नहीं भरोसा कर सकते तो बारीकियां नहीं जानते होते इंसान या इंसानों के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट बारीकियां नहीं जानते अल्लाह ताला ही जानता है तो ये आयत जो है ये बड़ी अहम आयत में से है तो सबसे पहले तो इसमें अल्लाह का तकवाख्तियार करने का हुक्म दिया गया है जो कि हुक्म है लिहाजा वाजिब है करना ही करना है ऐसा नहीं कि कह दिया गया बस अब हमारी मर्जी होगी तो करेंगे नहीं तो नहीं में आता है या तुम मुस्लिम ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह का तकवा करो जैसा कि उसका हक है और तुम्हें हरगिज मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम फर्मा हो मुसलमान हो में आता है, हमने उन लोगों को जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और तुम्हें भी ताकिदी हुक्म दिया कि अल्लाह का तकवा करो यानी ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि पिछली अकवाम के लिए भी था और फिर यह कि हर जगह इतम घर में बाहर अपनों में बेगानों में क्योंकि बाज हम किसी खास माहौल में तो कॉन्शियस रहते हैं लेकिन जब अपने घर में होते हैं तो बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाते हैं नहीं असल इतात ही वही है कि जो लोगों के सामने भी हो पब्लिकली भी हो और प्राइवेटली भी हो जो कोई ना देख रहा हो सिर्फ अल्लाह देख रहा हो और यही तकवा है कि हम अल्लाह से डरते इसलिए जहां कोई नहीं देखता वहां भी हम वही करते हैं जो कहीं और करते हैं यानी खुफिया और जाहिर दोनों जगह नबी अलैहि सलम ने फरमाया उसी का भी कभी तक अमरिका व अलानिय मुस्रत अहमद की रिवायत है मैं तुम्हें तुम्हारे खुफिया और जाहरी कामों में अल्लाह के तकवा की वसीयत करता हूँ खुफिया और जाहरी कामों में क्योंकि तकवा जो है हर नेकी की बुनियाद है हर तरह की खैर को इकट्ठा करने का सबब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें तो अल्लाह के तकवा की नसीहत करता हूं क्योंकि तकवा हर खैर को इकट्ठा करने वाला है कितनी बड़ी खुशखबरी यानी इसमें खैर ही खैर है इस आज से यह भी पता चलता है कि इंसान नेकी और तकवा के किसी भी बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच जाए लेकिन फिर भी उसको जरूरत रहती है कि उससे आगे बढ़े क्योंकि नबी सल्लाम को जब बर रास्त हुक्म दिया गया तो इससे पता ये चलता है कि, और फिर इता तो मुराद यह है नबी हो वली हो बुजुर्ग हो किसी से शरा जिम्मेदारी साकित नहीं होती क्योंकि बाज़ लोग क्या कहते हैं वो बहुत पहुंचे हुए हैं उन्हें अब नमाजों की जरूरत नहीं रही वो इससे आगे इस मुकाम से आगे बढ़ गए हमारे माशरे में इस तरह की बातें मौजूद है हमारे दीन में ऐसा कुछ नहीं है आपका अगर मकाम बड़ा है तो आपको तो और ज्यादा नमाजें पढ़नी चाहिए जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खड़े होते थे कि आपके पांव पर पड़ जाते थे और जो हुक्म एक होता है वो हुक्म जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के दिया जाता है बराह रास्त ईमान वालों को दिया जाता है और वो दूसरा वो कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से दिया जाता है फर्क क्या जी हाँ उसमें ताकद ज्यादा है और फिर आप देखिए कि अगर कभी आपको कोई तकिल्ला कह दे और बुरा लग जाए आपको तो इस आयत को याद कर लें क्योंकि था हमें कोई अगर नसीहत करे अल्लाह से डरो ये ना करो तुम समझते हमारी बेस्ती करती है नहीं इंसान की इज्जत अल्लाह से डरने में इन अक्रमा को जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरता है उतना ही अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत वाला है अल्लाह की निगाहों में उतना ही बड़ा है तो अगर किसी ने हमें कह दिया इतक इला तो वो हम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा कोई हमारी शान में कमी नहीं कर रहा बल्कि हमें और ज्यादा मोहतात कर रहा, अलर्ट कर रहा है ऐसे होता है ना जब खतरे का वक्त होता है तो हम एक दूसरे को क्या कह रहे होते हैं बी कॉन्शियस मोहतात रहना ध्यान से जैसे आप गाड़ी चल गाड़ी में बैठे हुए और आपके साथ ड्राइवर जो भी है बाप बेटा भाई बहन तो जहाँ बहुत रश आ जाता है या कोई ट्रैफिक ब्लॉक होती है या कुछ तो आप साथ ही फिर मजीद उनको मोहतात करना शुरू कर दे ध्यान से ध्यान से चलाना और फिर आप देखिए कि ये आयत हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब सिखाती है कि अल्लाह ताला आपको या अय्युहन नबी कह के पुकार रहे हैं आपका नाम लेकर या मोहम्मद कह के कौन पुकारता था बद्दू ला इल्म देहाती लोग जिनके अंदर एटिकेट्स नहीं थे पता नहीं था टिकेट्स का क्योंकि क़राम या तो रसूल अल्लाह कहते थे या हबीब अल्लाह या कोई भी करीब यानी मोहब्बत वाला लकब लेकिन नाम लेके नहीं पुकारते थे इससे ये बात भी पता चलती है कि जिसका आप अदब करते हैं जब आप उसको बुलाए ना नाम लेके नहीं बुलाए और आप देखें कि हमारे कल्चर में है ये बात कि बड़ों का नाम लेके नहीं उनको बुलाते हैं। यानी खाला कहेंगे मामू कहेंगे चचा कहेंगे पोपो कहेंगे यानी अल्टरनेट हैं जो उनके मोहब्बत के रिश्ते जो हैं या तो रिश्तों के नाम लेंगे या फिर अगर रिश्ता नहीं है तो कोई उस्ताद है या कोई जी जी टाइटल लगा देते हैं उसके साथ पकारते हैं और ये इस्लामी अदब है तो बाज़ लोगों में ये अदब नहीं होता और वो समझते है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या ज्यादा रोशन ख्याल है क्योंकि वो किसी की किसी के मकाम को मानना नहीं चाहते वो एक अंदर छुपी हुई भी होती है कि जो एक्सेप्ट नहीं करने देती कि कोई हमसे दर्जे में या मरतमे में बड़ा भी हो सकता है हमारे कल्चर में तो यहाँ तक है कि शोहर का नाम भी नहीं लिया जाता था यानी उसमें भी एक अदब और एहतराम और मैं समझती हूँ कि ये अदब एहतराम जब तक रहा मामला काफी बेहतर रहे और जब बिल्कुल बराबर का दर्जा दे दिया गया और अल्लाह ताला ने दिया उनको इन्ना दराजा ये हमने तो नहीं पकड़ा ना अल्लाह ताला ने बताया कि शोहर को अल्लाह ने बीवी पर बहरहाल एक दर्जा दिया है और बीवी की इज्जत में कोई कमी नहीं होती अगर वो शोहर का ये एक दर्जा मान लेती है और इसके मुताबिक उसके साथ मामला करती है और उसको एहतराम देती है और उसको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करती या उसकी बेज़ती नहीं करती तो इससे घर का माहौल जो है वो बहुत बेहतरीन हो सकता है क्योंकि मर्द के अंदर अल्लाह ने एक गैरत रखी इज़्ज़त की तलब रखी है उसके नफ्सियात में है वो इज़्ज़त चाहता है और जहां वो ये देखता है कि बीवी उसको इज़्ज़त नहीं देती और ख़ास तौर पर दूसरों के सामने उसको बेइज्जत कर देती है वहां से झगड़े शुरू हो जाते हैं वहां से दिलों में कदूरत पैदा हो जाती है तो इसलिए हमारे दीन की जो तालिमात है और ये बारीक किस्म की तालिमात है, इन, इन में भी बड़ी हैं। कान अल्लाह अलीमन हकीमा और दीन के मामले में अल्लाह को छोड़कर मखलूक की ताद चाहे को मुस्लिम हो काफिर हो मुनाफिक को मुशरक हो कोई भी हो किसी की बात भी नहीं क्योंकि बाजुका तमी कहते हैं अब इसको हम क्या करें ये वालिद हैं वालिद नहीं मानते ये शोहर हैं ये नहीं मानते ये फुला हैं ये उस्ताद हैं ये कह रहे हैं अब हमें कुछ तो माननी पड़ती है कुछ तो फ्लैक्बिलिटी दिखानी पड़ती है लेकिन आप देखें कि किसके मुका में आप ये सब कुछ कर रहे हैं नबी सल्लम ने फरमायाल्लाखलूकन नाफरमानी में किसी मखलूक की जायज नहीं। जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो वहा किसी और की नहीं माननी तो हमें इन, इन अवे ताला की से, उसके दीन की मुखालफत से उसके ऑपोजिट जाने से डराया गया है मना किया गया है कि इस मामले में अल्लाह से डरो कि अल्लाह के अहमाम की मुखालफत नहीं करनी वरना उसके कॉन्सिक्वें होंगे इन अदर वर्ड्स अब आप इसे कोई कुछ कहना चाहते हैं मैं सोच रही थी कि तकवा जो है वो हमारी जिंदगी को न सिर्फ आसानी बल्कि एक बड़ी खूबसूरती भी देता है ज़िंदगी का हुसन ऐसा लगता है जैसे दोबाला हो गया ना और जहाँ ये तजदीद की और इस्तकाम की बात आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि आजकल जैसे अब स्प्रिंग सीजन है तो हर एक अपने फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा है तो मैं देख रही थी कि लोग जो है वो जब कुछ प्लांट करना है उन्हें तो उसको ज़मीन को उसके लिए प्रिपेयर करना है अब वो सारे वीड्स निकालना बहुत ज़रूरी है तो मैं ये अपने बेटे से मैं पूछ रही थी कि क्या करना है निकाल के इतने ज़्यादा खूबसूरत से तो यही हमारे दिल का हाल है कि अगर हमने अपने दिल के अंदर तकवा को लाना है और तकवा को ग्रो करना है तो फिर हमें वो सब कुछ निकालना पड़ेगा जो उसके रास्ते में रुकावट है चाहे वो किसी की अपनी आप साजा जी मैं सोच रही थी सुबहानल्ला के जैसे मोना भी कह रहे थे भी कि अल्लाह ताला वाकई कितना प्रिपेयर कर देते हैं यानी तो, अगर आगे अहकाम आने भी तो उससे पहले पूरा साइकोलॉजिकली इमोशनली इंसान को प्रिपेयर कर दिया गया और सुबह आपने इतना डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया कि वाकई दिल रिसप्टिव होता है दिल में एक अल्लाह तला का एक डर भी आने लगता है और इंसान उसके लिए तैयार हो जाता है मैं सोचती हूँ कि आपने जैसे कहा कि अल्लाह सुबह तारा ने नबीस को ख़िताब करके कहा तो अगर नबी वसलम को कहा तो हम तो किसी हैं ही नहीं किसी गिनती और शुमार में और मुझे सूर्य आजाब सला से फ्यू ईयर्स पहले आप उस लुकिंग के उसमें इतनी दफ़ा नबी का और रसूल का लफ्ज़ आया और उसमें वो ब्यूटीफुल आया था जो सीरा से पहले हमेशा प्ले होती थी नबीम के बारे में एंड देन जो दरूद भेजने का है तो इसमें इतना एक एम्फेस है नबीम की जो अथॉरिटी है या जो प्लेसमेंट है हमारे दीन के अंदर तो कितना जरूरी कि हम अंडरस्टैंड करें कर इत तो हमें इतना बुरा लगता है जैसे किसी ने कोई गाली दे दी हो और आई थिंकिंग हजरत उमर रजील के सामने आके लोग अः जब कोई बात ऐसी हो जाती थी तो आपसे कहते थे इतना और आप कैसे अपना जो गाल है वो जमीन पे रगड़ लेते थे और कल जैसे खुतबे में भी जुम्मे के इसी तरह बात हो रही थी कि उस पर भी हजरत उमर ने कहा कि मुझसे तो हर कोई बड़ा हुआ है तो सुबह अल्लाह हम जब इल्म के मैदान में आते हैं तो हमें लगता है जैसे हम बहुत इल्म वाले हो गए हैं हालांकि हमारे पास तो कुछ भी नॉलेज नहीं है जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं अपने इल्म की कमी का एहसास होता जाता है तो इन शखवा को बढ़ाना है सादा जी मैं सोच रही थी कि जैसे आपने आज एहसास दिलाया कि अपने शोहर का इसी तरह वालदेन के बारे में भी लोग जो है जिन जिन की इज्जत करनी चाहिए उस तरह से उनकी करते नहीं और उनको एहसास नहीं होता और अब तो छोटे छोटे बच्चे माओ के नाम लेने शुरू कर दी और ऐसे ऐसी चीज़ें कल्चर जैसे आप मैं कहती हूँ कं, कंटेजियस है ये बीमारियाँ जो कि आप दूसरे कल्चर्स को देख के अपने अंदर अपना रहे बेबी शावर है उसका कोई तुक्की नहीं बनता हमारी जिंदगी में और बेबी शावर हो रहे हैं अच्छे खासे दीनदार लोगों के बच्चे ये काम कर रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रही है क्या काम हम कर रहे हैं वालदेन का कैसे एहतराम अब ये जो हो यहाँ पे अगर रिवाज है कि माँ बाप को छोड़ आते हैं इनमें होम्स में तो वो इसको अब बड़ा वो इसको अप्रिशिएट करने लग गए कि जी वो वहां बहुत अच्छे केयर करते हैं हमारे से ज्यादा जबकि औलाद वाल, को हक है कि जितना ज्यादा माँ बाप का ख्याल करें अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और अल्लाह ताला हमें हर चीज को उसकी अपनी जगह पर रखने और उसके एहतराम की अल्लाह ताला में इस्ताहत Uh, इस बात से मुझे एक प्रैक्टिकल uh, एग्जाम्पल uh, ये याद आ रही थी कि आजकल uh, हम देख रहे हैं कि हर बंदा जो है वो जवान से जवान नजर आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर नामों को लेना यहाँ पर अच्छा नहीं uh, ज्यादातर अब ये कहते हैं आपने हमें आपा क्यों कहा या बाजी क्यों कहा या बिकॉज uh, हम इसके यूज टू थे बैक होम में कि हम अपने बड़ों को कभी भी नाम दे के नहीं बात करते थे अपने उस्तादों को अगर वो उस्ताद चाहे किस एज का भी हो उस्ताद हो गया तो बस उस्ताद हो गया हमारे दिल में उसके लिए मां की इज्जत आ जाती थी तो अब ये है कि अपने आप को यंग शो करने के लिए या फिर नफ्सिया कुछ एक किस्म का रुझान आ गया है कि अगर मेरा नाम आपा ले लिया तो मैं आई विल बी ओल्डर देन यू एंड मेरी इज्जत में कोई आई I मीन mean, मेरी एज को देखा जाएगा मगर देखा ये जाए और फिर मैंने तो प्रैक्टिकली ये देखा है कि बच्चे अब डिप्राइव कर रहे हैं कि मैं अपनी माँ को मॉम कहूँ क्योंकि वो माँ कह रही है कि बेटा सबके सामने मुझे कहना मेरा नाम खदीजा है तो अब ये कहना ये नहीं कहना मॉम हो या फिर ये नानी और दादी कह रही हैं कि मुझे सिर्फ मॉम कहना नानी नहीं कहना दादी नहीं कहना सो लाइक बिकॉज नानी कहोगे तो इस मेरा जो मेरा आ जाएगा सिक्सटी प्लस का स्टेटस जरूरी नहीं है नानी आप बन सकते हो चालीस में भी मगर बात यह है कि

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا أستاذ جي میں یہ سوچ رہی تھی کہ بس ایک ہی سمپل حدیث ہم یاد کر کہ अल्लाह की ना फरमानी में किसी मखलूक की इत्याद नहीं करनी तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाए जैसे हम कहते हैं दीन मुश्किल है कहाँ मुश्किल है वैसे एक सिंपल आपका जिंदगी का असूल है कि अल्लाह की ना फरमानी में उसकी नहीं करनी वरना कितनी एक्सक्यूज हम ढूंढते हैं किसी को कुछ मना करने के लिए कहाँ कहाँ से कौन कौन से बहाने फिर उसमें ना तो थो बिल्ला थोड़ा झूठ सच भी शामिल हो जाता है तो एक बस सिंपल असूल रख लें और जिंदगी तो कहते हैं कि अल्लाह तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता आसानी चाहता है ये तो हमारा अपना ख्याल है कि मुश्किल जो जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो मुश्किल भी हो तो आसान लगती है और जो नहीं करना चाहते वो आसान भी मुश्किल हो जाती है नेक्स्ट आया आया टू है और जो कुछ आपकी जानब आपके रब की तरफ से वही की जाती है उसकी पैरवी कीजिए जो अमल भी तुम करते हो यकीनन अल्लाह उसकी खूब ख़बर रखने वाला है यहां मज़ीद हुक्म दिया जा रहा है आप वसल्लम ही से ख़िताब है कि आप पर आपके रब की जानिब से किताब सुन्नत की जो वही की जाती है आप उसकी पैरवी करें उसको फॉलो करें क्योंकि वो हिदायत है रहमत है उसकी पैरवी करके सवाब हासिल होगा और दुनिया और आखिरत के फायदे होंगे और फिर वजह क्या है इन काना बिमा तमलू खबीरा जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह उसकी खूब खबर रखता है एक होता है, है खबीर। खबीर अलीम से अगला दर्जा है माहिर खूब खबर रखने वाला बारीकियों को भी जानने वाला यानी अल्लाह ताला यह हुक्म क्यों दे रहे हैं अल्लाह ताला का तुम्हारे अमाल तुम्हारे हालात सबकी बहुत अच्छी तरह खबर है तो वही की इतबा पर कायम रहने का हुक्म दिया जा रहा है यहाँ जैसे इतक्ला में तकबा पर कायम रहने का हुक्म दिया जा रहा है यहाँ इतबा पर कायम रहने का हुक्म दिया जा रहा है इसका यह मतलब नहीं कि आप इतबा नहीं कर रहे थे तो अब आपको हुक्म दिया जा रहा है कि आप इतबा करें मतलब यह है कि जो दीन अल्लाह ने आपको दिया है ये इसीलिए दिया है कि आप इसकी पैरवी करें इस पर कायम रहें जैसा कि सूरत अल जासिया में आता है ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون फिर दीन के मामले में हमने आपको वाजे रस्ते पर कायम कर दिया है बस आप उसकी पैरवी कीजिए और आप उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए जो इल्म नहीं रखते जिनके पास इल्म नहीं उनकी बात नहीं मानी अब यहाँ पर ये यह जो माँ है ना वबे माँ यू हा मां उमूम पे दलालत करता है यानी जो कुछ भी यानी खास खास एहकाम नहीं आम एहकाम भी तमाम अहकाम जो बातें आपको आपके रब की तरफ से बजरिया वही बताई जाती हैं वो सब इस लायक है कि उनकी पैरवी की जाए चाहे सुलह और जंग के मामलाते हैं या यादे हैं या बाहमी ताल्लुक हैं या इबादत हैं या अखलाक के मामला मामलाते घरेलू जिंदगी के मामला ये सब इस काबिल हैं कि इनमें दीन दीन के मुताबिक इंसान जिंदगी बसर करे तो इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मा जो काम किए दिए गए थे खास तौर पर जो आपकी हैसियत में आपकी जिम्मेदारियाँ थी जिसमे तबलीग और दावत का काम और फिर जो दूसरों को बता रहे हैं उस पर खुद अमल करना यानी आपके लिए ये भी फर्ज के दर्जे में था कि जो आपको हुक्म दिया जा रहा है आप उस पर खुद भी अमल करें और फिर आगे पहुंचाए भी और अगर आपको ये ताकीद की जा रही है कि वत्तवे मा यू हालाई का तो फिर किसी और से कैसे माफ कर की जा सकती है और फिर इन अल्लाह का ना बिमा तमूना जमा कसी का आ गया है आगाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है लेकिन आगे जाके बिमा तालूना इससे इस भी ये पता चलता है कि ये हुक्म सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि सब के लिए है कि तुम वही में से जो जितना भी लोगे जितना भी अमल करोगे अल्लाह को पता चल जाएगा हम हंड्रेड परसेंट लेते हैं फिफ्टी परसेंट लेते हैं या उससे कम और ज्यादा ले कम बेच लेते हैं सब अल्लाह जानता है गोया दूसरे लफ्जों में मामला अल्लाह के साथ है बंदों के साथ नहीं है अल्लाह के साथ यहां हमें बंदों को खुश नहीं करना कि हम बंदों पे साबित कर दें उनको बता दें कि हम देखो दीन पे चलने वाले लोग हैं इसकी जरूरत नहीं है बल्कि क्या हुक्म है किस चीज की फिक्र करनी चाहिए

पैरवी करो उसकी जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया यहाँ तो सिंगुलर का सी वहां जमा है सबको हुक्म दिया जा रहा है और वहां रोका भी जा रहा है वला मत पैर भी करो, उसके सिवा कुछ और औलिया के और रोकी नहीं जो तुम्हारे मददगार या तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं कली लम्बा तजक लेकिन बहुत कम तुम नसीहत लेते हो तो इससे यह पता चलता है कि हमें दीन नबी अलैहि वसल्लम के जरिए से मिला है आपके अमल से आपके कौल से आपके सिखाने से लिहाजा जिस चीज का आप हुक्म दें वो हमें करना है और जिस चीज से आप रोके उससे रुक जाना है और जाहिल और वही के मुकाबले में जाहिलियत के रस्म और रवाज और आम जिंदगी के तौर तरीके और क्यास और ख्याल उनकी पैरवी नहीं करनी और फिर दोबारा ताकीद है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे किसी और की बात नहीं मानी जाएगी इस बारे में में एक रिवायत में आता है कि इब्ने अब्बास जो थे, वो उंगलियों की दीयत के बारे में कहा करते थे जो बल ना, किसास अगर कोई किसी का हाथ उंगली तोड़ देता है तो फिर उसको किसास उसका देना होगा दियत देनी होगी उसको किसकी दियत दस ऊँट है तो मरवान ने उनकी तरफ पैगाम भेजा कि तुम उंगलियों के बारे में उंगलियों की, की बात पहुंच चुकी है तो अल्लाह उमर पर रहम फरमाए रसूल का फरमान इस बात का ज्यादा मुस्तहिक है कि उसकी पैरवी की जाए हजरत उमर के कॉल के उनको पता नहीं होगा तो बहुत एक नहीं कई वाक्यात हैं जिसमें साहबा कराम जिनके पास अगर बात नहीं पहुंची होती थी तो वहां वो वाजी कर देते थे कि नहीं नबी नबीम का हुक्म ये और हम उस पर चलेंगे तो ये इल्म जो है ये आसमान से आने वाला है और लोगों की आरा और लोगों के फतवे और लोगों के ख्याल और लोगों की लॉजिक और लोगों की, की हमते जो है वो महदूद है महदूद अकल पर मबनी है तो इसलिए सबसे पहले तो इस बात पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस चीज़ की हम पैरवी कर रहे हैं कोई मामूली चीज नहीं अल्लाह की तरफ से आई है ऊपर से आई है तो सारी दुनिया के लोग भी मिलकर इस जैसी चीज नहीं बना सकते लिहाजा हमारा फायदा इसी में है जी नज़ुम आप कुछ कहना चाह रही थी आज सुबह इन हम इजे कोर्स में फ़ि इस्लामी पढ़ने वाले हैं तो उसको ज़रा सा मैं इधर उधर करके देख रही थी तो उसमें इमाम शाफे का इतना खूबसूरत नकल किया हुआ था कि अशार का मतलब नसर मैं बता रही हूँ ये कह रहे थे कि हर चीज़ जो कला हद्दना के अलावा है वो सब शैतानी वसाविस है यानी कि इंसान चाहे तो कितने इंडल्च कर ले हर तरह की नॉलेज में लेकिन जो अट्टमेट हजदीस सोर्सेज अल्लाह ताली ने हमें बता दी है. वात 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 और आप अल्लाह पर तोल कीजिए और अल्लाह ही कारसाज काफी है यानी अगर आपके दिल में ये बात है कि आपने लोगों की बात ना मानी तो कोई नुकसान हो जाएगा अमूमन यही डर होता है ना જો وہ ہمارا સાથ છોડ દેંગે ફિર વો જો હમે ફાયદા પહોંચા રહે હે વો નહીં પહોંચાયેંગે તો ઇસ ખ્યાલ કો દિલ સે નિકાલ દે કોઈ આપકો કુછ નહીં બગાડ સકતા અલ્લાહ पे भरोसा કરે ક્યોકી નફા નુકસાન કા માલિક સિર્ફ ઓર સિર્ફ અલ્લાહ હૈ મોત ઓર હયાત કા માલિક અલ્લાહ હૈ لہઝા અલ્લાહ હી કા હુકમ આપકી જિંદગી મેં સબસે અહમ હોના ચાહીએ જિસકી તરફ સે આએ ઓર જિસકી તરફ જાના હૈ वही हमारी जिंदगी में सबसे अहम होना चाहिए वह तवक्कल अल्लाह और अपने मामलात अल्लाह के सपुर्द कर दें। यानी दुनिया और आखिरत के जितने भी फवायद और नुकसानात के बारे में दिल में कोई फिक्र आती है उन सब के मामले में अल्लाह की जात पर परमाद करें और इस बात पर पूरा यकीन हो कि अगर अल्लाह आपको कोई फायदा पहुंचाना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता और अगर वो नहीं देना चाहता कोई दे नहीं सकता अल्लाह मलाम आता ही था वला और जब तक इंसान अल्लाह पे तवक्कुल नहीं करता उसकी इबादत मुकम्मल नहीं होती इसीलिए फरमा बुद्ध व तबक्कल सूरत धूद में आता है तो तवक्कुल जो है एक तो है अल्लाह पर भरोसा इबादत में तवक्कुल के इंसान इंसान के अंदर ये एहसास हो कि वो अल्लाह ताला का मोहताज है और जिस पर वो तवक्कुल कर रहा है फिर उसके आगे उसको जु, वो झुकता है जिसको वो अपना कारसाज समझता है उसके आगे आजजी से काम लेता है उसकी फिर वो इबादत करता है और ये आ, इबादत और ये आजजी किसी गैर अल्लाह के लिए नहीं होनी चाहिए क्यों अल्लाह पे भरोसे के लिए कहा गया ताके फिर इबादत भी अल्लाह ही की हो वरना फिर इंसान गैर अल्लाह की तरफ झुक जाएगा अगर यह ख्याल हो कि देवता और देवियां फायदा पहुंचाने वाले हैं तो फिर अल्लाह की बजाय लोग उसके आगे झुकेंगे उनको खुश करने में लगे रहेंगे फिर इसी तरह बाजु का दुनियावी मामलात में हम किसी को वकील बना लेते हैं अपने किसी काम के लिए कोई वकील हायर कर लेते हैं तो ये जायज है यानी अपना कोई मामला है कोई लड़ा कोई कहीं किसी के साथ कोई कमी बेशी हो गई है और आप अपनी बात या अपना मुकदमा किसी के पास लेके जाते हैं कि वो आपके बिहार पर उसको अच्छी तरह पेश करे वो आपसे बेहतर पेश कर सकता है तो ये भी तोकील होती है वकील बनाना होता है आप उसमें ट्रस्ट करते हैं तो आप उसको अपना केस देते हैं इसकी इजाजत है इसमें इबादत का पहलू नहीं होता इसमें आप सिर्फ वक्ति तौर पर किसी की आ, को हासिल करते बाज इबादात के मामले में भी आप दूसरों को अपना नायब बना देते हैं मसलन आपने उर्वा बिन को अपना नायब बनाया कि वो आपकी तरफ से जाकर कुर्बानी का बकरा खरीदे तो आप अपना काम किसी को देते हैं कि वो मसलन अब बहुत से लोग फ़लस्तीन और कश्मीर और पत्नी कहाँ कहाँ के लिए पाकिस्तान के लिए गरीबों के लिए कुर्बानियां करते हैं तो वो क्या करते हैं अपने पैसे किसी को दे देते हैं कि वो उनके ब्याह पर उनकी कुर्बानी कर दे तो ये भी क्या है आपने किसी और पे भरोसा किया आपने उसको वकील बना दिया इसकी इजाजत है खैबर में आप वसल्लम ये जो था ये खैबर में आपका नायब था इसी तरह कुर्बानी पर जो कुर्बानी के जानवर बच गए थे तो आपने हजरत अली को अपना नायब बना दिया था कि बाकी तुम जब कर दो तो उन्होंने जबा किए थे जानवर इसी तरह जब आप तबूक में गए थे तो आपने हजरत अली को अपने घर में नायब बनाया था मुसलम जब तूर पर गए थे तो उन्होंने हार को अपना नायब बनाया था तो नायब बनाना वकील बनाना ये जायज है लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी पोषिदा ताकत पर तोल करना ये शिरक है ठीक किसी और हस्ती पर अहतम करना कि वो हमारा काम बनाएगी जैसे लोग कहते हैं कि पीर अब्दुल कादिर गिलानी है और और इसी तरह के बुजुर्ग जो हैं वो हमारी मदद को आएंगे वो तो फौत हो चुके हैं वो कहा से मदद को आ सकते तो उन पर भरोसा नहीं कर सकते नहीं, मुर्दों पर भरोसा करना जो है उन पर तवक्कुल करना उन पर भरोसा करना अम्म ये फिर शिरक में आ जाता है और ये दुरुस्त नहीं है लेकिन किसी जिंदा पर भरोसा करके उसको कोई काम कह देना इसकी इजाजत है और ये हम रोजमर्रा के मामलात में करते ही रहते हैं हम कहते हैं ना व ईया कया का न व का, का नस्त तेरी हम इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ पर हम तो सिर्फ तुझ से हम मदद चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि किसी काम में किसी से कोई मदद नहीं मांगनी चाहिए मसलन अगर मैं आपसे ही कि ये फ्लायर्स मेरे करीब कर दें तो मैं आपसे मदद मांग रही हूं तो क्या मैं शिर कर नहीं ये ज़ाहरी उमूर में मदद तलब करना जो मना है वो खुफिया तर, तरीके पर खुफिया उमूर में पोशीदा तो तौर पर किसी को अपना मददगार समझना ये दुरुस्त नहीं वकफा बिल्ला वकीला और अल्लाह का कारसाज होना काफी है यानी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाला आपके काम बनाने वाला है तो यहाँ तीन आयात पे तीन अहकाम का हुक्म दिया गया है नंबर एक अल्लाह का तकवा अख्तियार किया जाए नंबर दो उसके अहकाम की पैरवी की जाए नंबर तीन अकेले अल्लाह की ज़ात को वकील बनाया जाए और इसके बरक्स को फार और मुनाफिकीन की इत की ममानियत है और खास से ये पता चलता है कि अल्लाह पर तोल करना वाजिब है हुक्म है इसका कि किया जाए और जिनकी जिंदगी में तवक्कुल होता है वो बहुत रिलैक्स्ड लोग होते हैं और इंसान क्यों तवक्कुल करता है अल्लाह पर क्योंकि उसको ये यकीन होता है कि वो सब कुछ कर सकता है बेदी हिल खैर उसके हाथ में सारी खैर है सारी भलाई है और वो वहां से मदद कर सकता है जहां से कोई और मदद नहीं कर सकता इस तरह इंसान को कल भी हासिल हो जाता है उसका खौफ दूर हो जाता है और जो अल्लाह ताला पर सच्चे दिल से तवक्कुल करे वाकई अब सुपुर्द कर देगा अपने मामला तो फिर अल्लाह भी उसको काफी हो जाएगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जगह पर भी हुक्म दिया गया सूरत मुज़म्मिल में इब्तिदाई अहकाम में से रब्बुल मशरिकी वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़हू वकीला क्या आप अल्लाह को अपना वकील ममई तवक्सब तो हर मामले में और खसूस नफ़ा नुकसान के बारे में सिर्फ इंसान अल्लाह पे भरोसा करे क्योंकि अगर अल्लाह सुबह न कोई फ़ायदा देना चाहे तो कोई नुकसान नहीं दे सकता और अगर वो कोई किसी तकलीफ में मुबला कर दे तो कोई उसको दूर कर नहीं सकता वो आखिर जी आमिना आप कुछ कही साजा जी बस ये देख रही थी कि तीनों आयत का स्टार्ट और एंड कितना खूबसूरत है पहले आयत में इतक़िल्ला का जो हुकुम दिया गया तो बता दिया गया क्योंकि अल्लाह अलीम और हकीम है दूसरे में कहा गया व तबीमा यूहाइक तो बता दिया गया कि इलाह का नीमा तामू नबीरा तीसरी आयत में कहा व तवकल्ला क्योंकि वह कफ़ाबल्ला वकीला तो तो लाइक अल्लाह की सिफात को अगर सामने रखे, तो हमें बात समझने इतनी आसान हो जाती <coughs> है <coughs> यानी सिर्फ नहीं दिए जा रहे साथ तसली भी दी जा रही देख रही थी कि इन तीनों आयत की ऑर्गेनाइजेशन वाकई इतनी खूबसूरत है अभी जैसे बाजी ने उसको फॉरवर्ड से बैकवर्ड किया यानी रिलायंस तवकुल अल्लाह जबानी के अलावा किसी इंसान के ऊपर अगर कोई भी इंसान किसी भी मामले में रिलाई करता है उससे अपने किसी काम की मदद लेता है और उसके बाद अगर उसका वो काम हो जाता है तो वो क्या करता है उस पर मज़ीद उसकी रिलायंस बढ़ जाती है और फिर उसके बाद वो उसको फॉलो करने लग जाता है और जब वो उसको फॉलो करने लग जाता है तो एक वक्त आता है कि वो उसकी इताद में आगे बढ़ने लगता है और फिर उसी का खौफ और फिर उसी की उसी की हकमियत फिर उसके दिल में बैठ जाती है तो अगर इन तीन आयतों के सामने रखें तो इबादत की तफसी समझ में आती है इंसान सही मानों में इबादत गुजार हो नहीं सकता जब तक ये सारी चीजें आज सुबह ना क्लास से आने से पहले दो ऐसे लोगों का मुझे फोन आया तो मैंने उनको आज कुछ भी नहीं कहा मैंने कहा मैं जल्दी में हूँ क्लास में जा रही हूँ आज का सबक सुन लें आप बस एक उनमें से बहुत शदीद बीमार हैं उनको वो आग लग गई है और वो काफ़ी उनको ज़ख्म ज़ख्मों में तकलीफ थी तो वो सारी रात सो नहीं सकी तो उनका वो हाल था और दूसरी जो है उनको अजवाजी उनकी ज़िंदगी जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो आज का पूरा जो माशाला से मुझे नहीं पता था कि आज इस तरह से अल्लाह ताली ने उनके लिए आंसर्स रखने कि अल्लाह ताला ही वकील है अल्लाह ताला ही भर पर भरोसा और अल्लाह ताला के पर तवक्ल अलहमदिल्ला और वो खबर रखता है हर चीज़ की जो हम कर रहे हैं और इस बात का एहसास होना कि हम अपनी जगह सही रहें और अपने मामला को दुरुस्त करते रहें आगे अल्लाह ताला हमको इसमें से पार कर देगा इन शारिक्लाजाकल्ला सर जी पहले तो हमेशा जब भी आयतें पढ़ रहे हो तो अपनी सिचुएशंस जो होती हैं वो कहीं ना कहीं वो हर हर दिन उसी आयतों का हमारी जवाब रोज़ ही मिल जाता है अलहदुल्ला कहीं ना कहीं लेकिन जब इति की इतना की बात आती है ना तो उस वक्त तो ऐसे लगता है कि इंसान जो है ना अपने आप से शर्मिंदा हो रहा होता है इतना एक शर्मिंदगी का एहसास आ रहा था और ख़ास तौर से जबकि अल्लाह ताली ने इस जगह बिठाया हो कि आप सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं और उसके बाद भी वो चीज़ नहीं आ रही और अगर घर वालों की तरफ़ से ये बात आ जाए तो और डबल जो है ना उसमें और ज़्यादा इंसान जो है ना एक गिल्ट फीलिंग जो है ना वो होती रहती है और फिर वही होता है कि नहीं जो बात घर वाले कह रहे हैं वो डेफिनेटली सही है हमें तला तो करना ही है बहरना वो एक अजीब सी बहुत ही गिल्टी सी फीलिंग आने लगती है मुसलसल एक और जहाँ तोल की बात आती है तो उस जी Uh, जैसे आपने कहा कि दिल में एक इतमिनान सिचुएशन आपको नज़र आ रही है बिल्कुल इम्पॉसिबल है कहीं कोई दूर दूर तक चीज़ों की कोई कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही कोई कुछ कामों की लेकिन जब अल्लाह पे तो्क़ुल करते हैं वो काम आपके सामने ख़ुद ब खुद बन के आ जाते हैं ये बहुत एक हो जाता है का, कि कंप्लीट तो से हालांकि इंसान का ईमान जब एंड डाउन होता है तो एंड डाउन होता है बिल्कुल लेकिन बट होता क्या है कि जब आप बार बार याद करते हैं अल्लाह है अजीम जब याद करके दिल से पर, पर कि उसको ना दिल भर जाता है फिर तवक्ल से भर जाता है सुबह शाम सात सात दफ़ा पढ़ ले तो जाकला और सर जी एक और चीज़ ये भी थी कि मैं ये देखती हूँ की ये मेरा जहाँ भी कहीं कोई ऐसा इतफाक होता है जाने में कुछ लोगों में इसमें मेजोरिटी की तरफ से जो चीज़ आती है ना वो यही आती है कि अल्लाह के काम ही आते हैं सब कुछ आते हैं लेकिन एक ही डर जो है ना मेजोरिटी के सामने जो आ रहा होता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाने का इतफाक़ हुआ तो उन खुतिन में लेडीज़ में यही एक चीज़ थी कि हम ये ये काम करेंगे ना तो हमारे ये फ्रेंड्स भी छूट जाएंगे हमारा ये सर्कल हमारा सोशल जो है सब छूट जाएगा तो हम इसीलिए ये काम करते नहीं है तो आप बताएं हम क्या करें आप छोड़ देते हैं अल्लाह की खातिर अल्लाह उसका नियमल बेहतरीन और दे देगा लेकिन अगर इंसान की खातिर अल्लाह को छोड़ देते हैं तो फिर आपको क्या नबदल मिलेगा कहा जाएंगे आप سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد